हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की क्लासेस आएँ, जो भी अपडेट आएँ बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, वो अपडेट की जो वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। चलिए, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे जीके जैसी क्लास चलती है, हिंदी की 3 बजे, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की 6:30 बजे चलती है। तो इस वाली क्लास को नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा मॉर्निंग वाली क्लास, ठीक है। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप ये देख सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम की यूजर आईडी है, आप फॉलो करें, आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताएंगे सब लोग कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आज की इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट होना चाहिए, 100 लाइक। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर देंगे। तो अभी भी जितने भी लोग देख रहे हो भाई, सभी लोग कर दो लाइक, सब्सक्राइब तो कर ही दो सभी लोग। तो देखना, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है। संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है 4 होती है। कौन कौन से? छा हो गया, त्रा हो गया, और यहाँ पे ज्ञा हो गया, और ये आपका स्रा हो गया। ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। ये आपका उसमें व्यंजन है। क्या है? उसमें व्यंजन, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन लिख लीजिए, छा, त्रा, ज्ञा और ये स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं। ए हो गया आपका, ए हो गया आपका, ओ हो गया आपका, और अ हो गया। ये आपके जो है संयुक्त स्वर होते हैं। उसमें व्यंजन पूछे तो तीनों आपके ये सा हो जाएंगे, तीनों सा हो जाएंगे, और आपका हा हो जाएगा। ये आपके उसमें व्यंजन होते हैं। अगर पूछे अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो या, रा, ला, वा, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। का वर्ग से पा वर्ग तक, का, खा, गा, घा, चा, छा, झा, झा, टा, ठा, ढा, ढा, ता, था, धा, धा, पा, फा, बा, भा, ये सब क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। नासिक वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं? जो पंचम अक्षर होते हैं, जैसे का वर्ग में आपका अंगा हो गया, चा वर्ग में इया हो गया, टा वर्ग में अड़ा हो गया, ता वर्ग में ना हो गया, पा वर्ग में मा हो गया। तो ये आपके होते हैं नासिक वर्ण, ठीक है। चलिए, वर्णमाला की संख्या पूछे 52 और व्यंजन 33, स्वर 11, मात्रा 10। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है तत्सम शब्द है? बताएंगे सब लोग इसमें कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखना, यहाँ पे अग्नि जो आपका शब्द है, ये आपका तत्सम है। अच्छा, इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है, ये सामने लिखा हुआ है बी वाले में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम तद्भव से 100% कम से कम 2 प्रश्न तो आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार हर क्लास में आपको बोलता हूँ कि आप अपना लैंग्वेज अच्छे से जो है तैयार कर लीजिए, और रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए। रीजनिंग कैसे तैयार होगी? आपको जितना मतलब जितना उसमें समय देंगे प्रैक्टिस में, उतनी आपकी रीजनिंग सही होगी, ठीक है। चलिए, ये कारकों की संख्या पूछे तो 8 होती है। सभी कारक के विभक्ति चिन्ह आपको पता होना चाहिए। जैसे संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? संबंध कारक का चिन्ह बताइए, बताइए सब लोग, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। लाइक करने से कुछ नहीं, बस मोटिवेशन होता है और वीडियो और आगे जाता है, ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। तो संबंध कारक का जो चिन्ह होता है डियर, वो होता है का, की, के, रा, री, रे। तो यहाँ पे रा, री, रे है, तो ये आपका यही सही हो जाएगा। और भी होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, का, की, के, का, की, के, ये भी आपके जो है चिन्ह है संबंध के, ठीक है ना। अच्छा, जो संबंध कारक होते हैं, पहचाना कैसे जाता है? कोई वाक्य दे दे, पूछ ले कि इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, करण कारक है या संबंध कारक है। तो संबंध में क्या होता है, उसमें मतलब संबंध दिखाई देता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, आप लोग समझ जाना, यहाँ पे जगह कम है। यह घर मेरा है, यह अजीत का बेटा है, यह कार मेरी है, तो ये सब क्या हैं? जैसे यह घर मेरा है, तो यहाँ पे मेरा आ गया ना। उसके बाद जैसे यह मेरा घर है, तो मेरा में लास्ट में आपका रा दिख रहा है ना विभक्ति चिन्ह संबंध का, तो ये आप ऐसे पहचान जाएंगे। और भी अच्छे से मैं किसी दिन मैं कारक पढ़ा दूंगा,
तो उसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा। कारक में ज़्यादातर जो पूछा जाता है आपादान कारक का पूछा जाता है। आपादान कारक कैसे पहचाना जाता है, जहाँ पे जैसे भय पैदा किया जाए इस वाक में, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है तो इसमें भय पैदा किया जा रहा है। और जिस वाक में जैसे तुलना की जाए, जैसे मोहन श्याम से सुंदर है, यहाँ पे तुलना की जा रही है कि मोहन श्याम से सुंदर है। और एक में जिस जहाँ पे अलगाव, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो ये तीन प्रकार के जो है आपादान होते हैं, आपको याद रखना है। और जैसे मे पर, ये किसका है, मे पर, ये अधिकरण का है। से किसका है, से किसका है, तो ये करण का भी होता है। और सम ये आपका जो है आपादान, आपादान कैसे पहचान लेंगे, जहाँ पे अलगाव होने की बात हो। और संप्रदान के भी होता है के लिए, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी शब्द ड्रॉपिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा क्या? अंग्रेजी शब्द ड्रॉपिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा क्या भाई? प्रारूपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारूपण। 54 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? विलोम युग्म कौन सा नहीं है भाई, बताइए। वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, बहुत ही कम लाइक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, सभी लोग दबा के लाइक करो, आज ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। और कमेंट सभी लोग करना, हर प्रश्न का जवाब देना, ऑटोमेटिक वीडियो आगे जाएगी। कल आपको जबरदस्त क्लास फिर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, गुण का विलोम दोष होता है, न्यून का अधिक होता है, पाप का पुण्य होता है। वृहद विशाल ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। वृहद का हो जाएगा क्या, विशाल का क्या हो जाएगा क्या, विशाल का छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी आपका नहीं सही था। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन, चलिए बताइए सब लोग, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये आपका का वर्ग होता है, ये आपका कंठ से होता है इसका संबंध, ठीक है ना, कंठ से। और चा वर्ग जो आपका होता है वो तालव्य होता है, जिसे तालु के नाम से भी आप लोग जानते हो। टा वर्ग जो आपका होता है वो मूर्धन्य से होता है। और जो आपका ता वर्ग होता है वो आपका दंत से होता है। जो पा वर्ग आपका होता है, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तालव्य की बात की है, तो चा छा झा झा, यही आपका तालव हो जाएगा, ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा, ये आपका ओष्ठ हो जाएगा, ये आपका दंत हो जाएगा, ठीक है। ये वाले सा का कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका दंत से होता है उच्चारण, इसका किससे होता है? तालु से होता है, तालव्य से। इसका किसका होता, और इस वाले सा का, ये वाला सा का मूर्धन्य से होता है, ठीक है। चलिए, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा क्या? अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा क्या? किसी की इच्छा अनुसार चलना, यही होता है अंगुली पर नाचना का अर्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होता है? दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा? तो दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होता है आश्चर्य करना। क्या होता है भाई? आश्चर्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा? हीरक जयंती, रजक जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा रजत जयंती। क्या होगा भाई? रजत जयंती, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द बताइए। संगम, संगम में तो सम उपसर्ग है। क्रोध, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग है। विमोचन बताइए, किसमें प्रत्यय नहीं है? तो इसमें नहीं है, ठीक है ना। विमोचन में वी है, संगम में सम है, संगम वाला बहुत पूछा जाता है, सम है। प्रत्यर्पण में आपका प्रति है, ठीक है। चलिए, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, यार अलावा अंतःस्थ होते हैं आपके, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य का जो है शुद्ध पदक्रम कौन सा है? शुद्ध पदक्रम, एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, सब लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोग बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। पानी का एक गिलास लाओ, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा क्या? संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए सब लोग? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट जवाब दीजिए भाई सब लोग। तो देखिए, यहाँ पे रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं पूछी हैं, तो 24 होती हैं। कितनी होती है भाई? 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है।
जैसे चौपाई का पूछ लें कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं 16 होती हैं, ठीक है। गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 होती हैं, हर गीतिका में 28 होती हैं, ठीक है। दोहा में पूछे तो 13-11 होती हैं, दोहा अर्धशमात्रिक छंद है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा, जिसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। बरवे में 12-7 होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राम रमा पति कर धनु ले हूँ, यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ पे बताइए कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका वक्रोति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी छांटिए इसमें, शुद्ध शब्द कौन सा है, ज्योत्सना का शुद्ध रूप क्या होता है, पहला वाला है या दूसरा वाला है या तीसरा वाला या चौथा वाला। तो ज्योत्सना का शुद्ध रूप ये वाला है आपका, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा जो है शुद्ध रूप है कावयत्री का। देखिए जो कवि होता है, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कावयत्री होता है, तो कावयत्री का शुद्ध रूप क्या होता है, ये वाला कावयत्री होता है, ठीक है। चलिए श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, श्रृंगार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा, उज्ज्वल का बताइए शुद्ध रूप क्या होगा। 68 का जवाब दीजिए भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दबा के। तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसमें बताइए कौन सा शुद्ध रूप है, छह जो होता है ये छः, इसका जो शब्दों में जैसे बोलते हो आप लोग ना, इसका छह का क्या होगा, ये पहला वाला ही हो जाएगा, ठीक है। जिजीविषा का शुद्ध रूप कौन सा है, जिजीविषा का शुद्ध रूप कौन सा है बताइए, 70 का जवाब दीजिए सब लोग, ये हो जाएगा जिजीविषा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनादर का विलोम क्या होगा, अनादर का 71 का जवाब दीजिए, अनादर का विलोम क्या होगा, मान सम्मान आदर सत्कार, तो अनादर का हो जाएगा आदर, क्या हो जाएगा आदर। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का बताइए अज्ञानी अनिपुण अनभिज्ञ या मूर्ख, बताइए अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। 72 को जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करिए सब लोग, अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अगला प्रश्न अथ का क्या होगा, अथ का बताइए, अथ का विलोम क्या होगा, इति खत्म समाप्त या संपूर्ण, अथ का क्या होगा, अथ का हो जाएगा इति, क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करुण का क्या होगा विलोम, करुण का कठोर निष्ठुर निर्दय कोमल, करुण का क्या होगा भाई, करुण का निष्ठुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्ठुर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिजु का क्या होगा, रिजु का क्या होगा, रिजु का सीधा त्रियक सरल वक्र होगा रिजु का विलोम शब्द। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के तीन पर्यायवाच हैं, एक भिन्न है, तो भिन्न कौन सा है आपको बताना है। उत्सव पर्व उत्साह समारोह, 76 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे उत्सव पर्व समारोह ये आपका एक है और उत्साह यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। दिवस वासर दिन प्रसून में कौन सा अलग है, तो इसमें प्रसून आपका अलग हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कनक स्वर्ण हीरक हेम में कौन सा मतलब अलग है भिन्न है। 78 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। तो यहाँ पे आपका हीरक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीरक। अगला प्रश्न देखिए, अश्व है तुरंग कुंजर इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कुंजर, ठीक है ना। बादल वारिज वारिद पयोधर इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, 80 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई सभी को गुड आफ्टरनून। 80 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वारिज आपका भिन्न है। नीचे दिए शब्दों में जो है प्रयुक्त जो है संधि का नाम बताइए, जैसे सन्मार्ग का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, सन्मार्ग स्वर संधि है, ठीक है ना। चलिए अगर स्वर संधि में पूछे तो कौन सी संधि है, गुण संधि। ज्ञानोदय में संधि बताइए, ज्ञानोदय में तो ज्ञानोदय में जो आपकी संधि है डियर कौन सी है बताइए, स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निराधार में बताइए कौन सी संधि है, निराधार में बताइए तो विसर्ग संधि हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपका अतएव है, ठीक है, अतएव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है,
किसमें व्यंजन संधि है, 85 का जवाब दीजिए सब लोग, शतकार में व्यंजन संधि है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में देखिए पीताम्बर में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होता है, इसमें बच्चे बहुत मतलब कंफ्यूज होते हैं पीताम्बर नीलाम्बर में कि कौन सा लगाएं, कभी कभी ऑप्शन में दोनों दे देता है। तो देखिए अगर ऑप्शन में दोनों में से एक है तो एक टिक कर देना है, बहुव्रीहि तो बहुव्रीहि, कर्मधारय तो कर्मधारय, अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बहुव्रीहि या कर्मधारय, तो बहुव्रीहि आप करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना, नीलाम्बर आपका हो गया, पीताम्बर हो गया, चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में 87 का जवाब दीजिए, चरण कमल में समास कौन सा है, तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो कर्मधारय यहाँ पे समास है। अगला प्रश्न, घुड़सवार में कौन सा समास है, घुड़सवार, तो घुड़सवार में आपका समास है घोड़े पे सवार, तत्पुरुष समास। चौराहा में समास बताइए जिसका पहला पद संख्यावाची हो, तो उसमें आपका जो समास होता है वो देगु समास होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्भशून्य शब्द में समास है, गर्भशून्य में बताइए, गर्भशून्य में समास कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सही विकल्प चुनिए इसमें, जो व्यर्थ की बातें करता हूँ उसके लिए शब्द क्या होगा, बहुभाषी, वाचाल, कुवक्ता या वाक्टू, वाक्पटु, बताइए जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए शब्द हो जाएगा वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय, तो इसके लिए शब्द होगा प्रियदर्शी, क्या होगा, प्रियदर्शी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, एहसान ना मानने वाले के लिए शब्द क्या होगा, कर्तज्ञ, कर्तघ्न, विश्वासघाती या परोपजीवी, राइट आंसर दीजिए सब लोग, एहसान ना मानने वाले के लिए शब्द क्या होगा, कर्तज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, विजित, अजय, अज्ञे, दुर्जय, क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, दुर्जय हो जाएगा, ऑप्शन डी, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, नव युवा, वयासंधि, नवोढ़ा या वयस्कता, बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था कहलाती है वो वया संधि कहलाती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जैसे तन को कपड़ा ना, खाने को रोटी या भूख को रोटी या पेट को रोटी या मन को रोटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, खाने, पेट, भूख, मन, क्या आएगा बताइए, तो तन को कपड़ा न खाने को रोटी, यहाँ पे खाने आएगा, ठीक है। चलिए चमड़ी जाए पर क्या ना जाए, इज्जत ना जाए, पगड़ी ना जाए, पैसा ना जाए या दमड़ी ना जाए, तो क्या आएगा, 97 का जवाब दीजिए सब लोग, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो यहाँ पे दमड़ी आएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे, अनुग्रह थे या परिग्रह थे या अपरिग्रह थे, क्या थे बताइए, तो विग्रह थे, ठीक है ना, ऑप्शन ए। इनमें से पुलिंग नहीं है, बचपन, समुद्र, वायु, घी, पुलिंग शब्द नहीं कौन सा, वायु नहीं है। अगला प्रश्न, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परीक्षण किया जाता है, पारसीमन किया जाता है, परिगमन किया जाता है या परिमापन किया जाता है, तो इसमें पारसीमन किया जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास, कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन बिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए। 50 में से कितने आपके जो है क्वेश्चन आज सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना, कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें, तो आज की क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास।